वेलकम टू माय चैनल रूबीज किचन। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चना चाट। चना चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के लगभग चना लिए हैं। चना को पानी में अच्छे से डुबो के रखना है 5 से 6 घंटे के लिए। लगभग एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। 3 से 4 सीटी आने तक इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल किया हुआ एक आलू लिया है, एक प्याज ली है, एक टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्च ली है, 1/2 नींबू है। चना को इस तरह से दबा के देख लेना है ये अच्छे से बॉईल हो गया है कि नहीं। अभी हमारे चना अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैंने जितनी भी सब्ज़ी ली थी उनको अच्छे से काट के बारीक सा इसमें मिक्स कर दिया है। अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। लेमन जूस मिला देना है इसमें अच्छे से। ये लिया है मैंने चाट मसाला। अपने स्वादानुसार इसमें चाट मसाला मिला लेना है। चाट मसाला मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और ये 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है। मसालों को मिलाने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है और ये हमारी बहुत ही बढ़िया एकदम चटपटी सी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। बाय बाय।